स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के कालाडूंगी में आउटसोर्स कर्मियों को 9 महीने से नहीं मिला वेतन। रात दिन खतरों से खेलकर जंगलों में कार्य करने वाले तनखा को तरसे। कालाडूंगी रेंज में धरने पर बैठे कर्मचारी रामनगर वन प्रभाग के कालाडूंगी रेंज में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को 9 महीने से नहीं मिली है तनखा। जबकि आग बुझाने, सांप पकड़ने, मार्ग पर पेड़ गिरने पर रास्ता खोलने, जंगल गश्त और वन सुरक्षा के लिए जाते हैं इनसे कार्य। बताया जा रहा है कि रामनगर वन प्रभाग में उज्ज्वला श्रम संवेदा सहकारिता समिति के माध्यम से 100 से अधिक लोगों को वन कार्य के लिए रखा गया है, जिनमें से कुछ लोगों को तनख्वाह मिल गई है तो कुछ 9 महीनों से तनख्वाह को तरस रहे हैं। कालाडूंगी रेंज में भी 28 में से 10 कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिल सकी है। कर्मियों का कहना है कि अब कुछ दिन रह गए हैं रक्षाबंधन का त्यौहार, ऐसे में कैसे त्यौहार मनाए। बताया गया है कि ठेकेदार द्वारा कुछ कर्मियों को दिए गए तनख्वाह के चेक पैसा न होने के कारण बाउंस हो गए। इधर रामनगर वन प्रभाग के DFO चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि इनकी समिति को पैसा जारी कर दिया गया था, कुछ लोगों के नाम या नंबर गलत होने से भुगतान नहीं हुआ। कालाडूंगी संवाददाता जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। यहाँ कालाडूंगी रेंज में कार्यरत, यहाँ पहले मैं सांप पकड़ने का काम करता था, जहाँ सांप के काटने से ये हाथ ऐसा हुआ और रसल वाइपर के काटने से मेरी किडनी डैमेज हो गई थी, तो जिसमें मेरे 8-8.5 लाख रुपए खर्च हुआ, जो खुद ही झेलना पड़ रहा। और यहाँ 9-9 महीने से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से हमें अपना पेट पालना बहुत दिक्कत दे हो रहा है। यहाँ हमारी तनख्वाह टाइम टू टाइम मिल जाए, इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ कालाडूंगी रेंज में बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनके खाने के लिए कुछ भी ना होने के कारण, 9-9 महीने से तनख्वाह ना मिलने के कारण ब्याज में पैसा नहीं दिया जा रहा है, और इसलिए वो धरना प्रदर्शन में सभी बैठ रहे हैं। हम किसी से पैसा भी लेते हैं तो हम उससे किस जवाब से पैसा लेके, हम भाई तुझे इस टाइम पे पैसा देंगे या उस टाइम पे पैसा देंगे, तो हम तो इससे भी पैदल हो चुके हैं। विभाग हमारा कोई हेल्प नहीं करता, कुछ नहीं करता है। हम तो अपने विभाग से कि यह है कि हम 1500-1600 रुपये की तक अहमियत नहीं रखते कि हमें हमारा विभाग हमें सपोर्ट करेगा करके, तो हम बताइए कहाँ जाएँ। 7 महीने से तनख्वाह नहीं आई है सर, सब बेरोजगार हैं, तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती है। 8-8, 9-9 महीने, 10-10 महीने कोई भी त्यौहार आते हैं उन पर हम वंचित रहते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है हमको। और दूसरी बात यह है कि 4 महीने तक तो 9,913 रुपये दी, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये ज़्यादा हो गई है, फिर 8,213 रुपये दी, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, आपका PF कट रहा है। 2 साल से इन्होंने हमको 7300 तनख्वाह दे रखी है, PF काट दिया, लेकिन उस PF का भी तो पता नहीं है कि अगर कट भी गया तो कहाँ गया वो भी तो मिलना चाहिए। नहीं मिलता PF का पैसा, PF का पैसे का ही पता नहीं है कहाँ है, पहली बात तो जमा ही नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, कोई प्रूफ दे हमें। यहाँ पर तो 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिलेगी सर अभी इस समय, और इस महंगाई के दौर पे हमें 7,000 रुपये गैर मिलते हैं, PF एक नाम पे काटा जाता है, जो मेरे अकाउंट में बिल्कुल खाली है, हमारा अकाउंट हमारे पैसे कट जाते हैं लेकिन हमारा अकाउंट बिल्कुल खाली है PF, और तनख्वाह टाइम पे नहीं दी जाती, और 7,000 में क्या होगा इस महंगाई के दौर पे, कम से कम 12,000 रुपये मानदेय तो होना चाहिए हमारा, और उपरल का हमारा कुछ पता नहीं है कि हमें डाला भी जाएगा या नहीं डाला जाएगा। किस विभाग में? किसी कहीं कहीं विभागों में तो डाल दिया गया है, कहीं कहीं डिवीजनों में, लेकिन कहीं कहीं पता नहीं है इसका कि डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। किस विभाग में कार्यरत हैं? हम वन विभाग में हैं अभी कार्यरत, कार्यों के दौर पर।